नमस्कार, उत्तराखंड समाचार में आपका स्वागत है। मैं रागिनी बिंजोला। सबसे पहले मुख्य समाचार। सोनप्रयाग में मलबे के चपेट में आए तीर्थयात्री, अब तक 5 लोगों की मौत। खोज और बचाव अभियान जारी। कैंसर की दवाएं होंगी सस्ती, जीएसटी परिषद का फैसला। जीएसटी की दर 12% से घटाकर 5% की। और भारत रत्न पंडित गोविंद बल्लभ पंत की जयंती आज, कृतज्ञ राष्ट्र कर रहा याद। चंपावत और चमोली समेत प्रदेश में आयोजित किए जा रहे कार्यक्रम। अब समाचार विस्तार से। सोमवार देर शाम को केदारनाथ धाम यात्रा मार्ग पर भारी बारिश के चलते सोनप्रयाग के समीप हुए भूस्खलन में 5 लोगों की मलबे में दबे होने से मौत हो गई है। 3 लोग घायल हैं, जिनका इलाज चल रहा है। वहीं घटनास्थल पर खोज अभियान जारी है। अपर जिलाधिकारी श्याम सिंह राणा ने बताया कि सोमवार शाम करीब 7:30 बजे सूचना प्राप्त हुई थी कि कोतवाली सोनप्रयाग से लगभग 1 किलोमीटर गौरीकुंड की तरफ हाल ही में शुरू हुए भूस्खलन प्रभावित क्षेत्र में गौरीकुंड से सोनप्रयाग की ओर आ रहे कुछ यात्री मलबे में दब गए हैं। सूचना पर पुलिस प्रशासन, SDRF, NDRF व DDRF की ओर से संयुक्त रेस्क्यू अभियान चलाया गया। रेस्क्यू के दौरान देर रात्रि को 3 व्यक्ति घायल अवस्था में निकाले गए थे, जिनमें से एक की हालत गंभीर थी, जिसे डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। लगातार हो रही बारिश और मलबा व पत्थर आने के कारण रेस्क्यू कार्य रोकना पड़ा। दिनांक 9 सितंबर को केदारनाथ से वापसी में स्थान मुनकटिया में एक दर्दनाक घटना घट गई, जिसमें लगभग हमारे 5 यात्रियों की दुखद मृत्यु हो गई और 3 उसमें घायल हुए। जो घायल यात्री हैं उनको अग्रेतर इलाज के लिए फायर सेंटर को भेज दिया गया है। यह घटना लगभग 7 बजे की बात है, उसमें बारिश भी शुरू हुआ था और गौरीकुंड में स्थानीय जो पुलिस प्रशासन है उनके द्वारा भी संबंधित यात्रियों को रोकने का प्रयास किया, लेकिन किसी कारणवश वो रुके नहीं वहाँ पर और आगे जाके जो मुनकटिया नामक जगह है वहाँ पर लैंडस्लाइड होने से घटना घटी है और घटना की जांच के लिए जिलाधिकारी महोदय द्वारा निर्देश दे दिए गए हैं। जिला आपदा प्रबंधन अधिकारी नंदन सिंह रजवार ने बताया कि आज सुबह फिर रेस्क्यू अभियान शुरू किया गया। इस दौरान घटनास्थल पर 3 और लोग अचेत अवस्था में मिले, जिनको डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। कुछ देर बाद रेस्क्यू टीमों को एक और महिला अचेत अवस्था में मिली और उनको भी डॉक्टरों ने मृत घोषित किया। इस प्रकार इस हादसे में मृतकों की संख्या 5 हो गई है। मार्ग को सुचारू कर दिया गया है। यात्रियों को सुरक्षा बलों की देखरेख में सुरक्षित तरीके से सोनप्रयाग की ओर भिजवाया जा रहा है। सोनप्रयाग के नज़दीक राष्ट्रीय राजमार्ग पर भूस्खलन होने के कारण वहां से गुजर रहे यात्री भूस्खलन की चपेट में आ गए। त्वरित रेस्क्यू टीमों द्वारा 5 मृतकों और 3 घायलों को निकाला गया, जिन्हें की आवश्यक कार्रवाई हेतु जिला चिकित्सालय भेज दिया गया। श्री केदारनाथ पैदल मार्ग पर यात्रियों से अपील की जाती है कि वह मौसम खराब होने पर 6 बजे के बाद अपनी सुरक्षा को देखते हुए आगे की यात्रा करें। वस्तु और सेवा कर जीएसटी परिषद ने कैंसर की दवाओं पर जीएसटी की दर 12% से घटाकर 5% कर दी है। चुनिंदा नमकीन पर जीएसटी 18% से घटाकर 12% किया गया। नई दिल्ली में कल वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में परिषद की बैठक में यह निर्णय लिया गया। श्रीमती सीतारमण ने कहा कि कैंसर की दवाओं पर जीएसटी दर कम करने के निर्णय का उद्देश्य कैंसर के उपचार की लागत कम करना है। वित्त मंत्री ने कहा कि परिषद ने जीवन और स्वास्थ्य बीमा पर कर की दर कम करने पर विचार करने के लिए मंत्रियों का एक समूह गठन किया है और जीएसटी परिषद में क्षतिपूर्ति उपकर मंत्रियों का समूह बनाने पर भी सहमति हुई है। उन्होंने कहा कि जीएसटी परिषद की अगली बैठक नवंबर में होगी, जिसमें स्वास्थ्य और जीवन बीमा संबंधी नए मंत्री समूहों की सिफारिशों पर विचार किया जाएगा। Some of the main decisions of the GST, but there are a few more which I request the Revenue Secretary and his team to explain, because there are very many more decisions. One of which I would highlight is
reduction in the GST rates on specified cancer drugs. You will recall that in the budget we had cut down customs duties. Now, GST rate on cancer drugs are also being brought down. It's being reduced from 12% to 5% in order to further reduce the cost of cancer treatment. आज भारत रत्न पंडित गोविंद बल्लभ पंत जी की जयंती है। इस मौके पर प्रदेश भर में कई कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मुख्यमंत्री आवास में भारत रत्न पंडित गोविंद बल्लभ पंत की जयंती के अवसर पर उनके चित्र पर श्रद्धा सुमन अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। मुख्यमंत्री ने कहा, पंडित गोविंद बल्लभ पंत महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, देशभक्त, समाजसेवी और कुशल प्रशासक भी थे। उन्होंने हिंदी को राजभाषा के रूप में प्रतिष्ठित कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उत्तर प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री एवं देश के गृह मंत्री रहते उन्होंने आधुनिक भारत में निर्माण में अहम योगदान दिया। चंपावत में पंडित पंत की जयंती धूमधाम से मनाई जा रही है। इस मौके पर जिले भर में विभिन्न स्कूली बच्चों ने रैली निकाली। उन्होंने पंत जी की मूर्ति पर माल्यार्पण कर श्रद्धा सुमन अर्पित किए। जिला मुख्यालय के कलेक्ट्रेट परिसर में अपर जिलाधिकारी हेमंत कुमार वर्मा ने पंडित पंत की मूर्ति पर माल्यार्पण किया। वहीं नगर पालिका परिसर में स्थापित मूर्ति पर जिला भर में अधिकारियों, कर्मचारियों व जनप्रतिनिधियों द्वारा माल्यार्पण किया गया। इसके अलावा पंत जयंती पर नगर पंचायत के हाल में विचार गोष्ठी का आयोजन किया गया। विचार गोष्ठी में वक्ताओं द्वारा पंत के स्वतंत्रता आंदोलन पर भूमिका के साथ ही स्वतंत्रता भारत में नव भारत निर्माण के योगदान पर अपने अपने विचार रखे। वहीं चमोली जिले में भी स्वाधीनता संग्राम सेनानी पंडित गोविंद वल्लभ पंत की जयंती के मौके पर उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि दी। जिलाधिकारी संदीप तिवारी ने शहीद स्मारक पार्क में उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण करते हुए उनके साहित्यिक, सामाजिक एवं स्वतंत्रता आंदोलन में दिए गए योगदान को याद किया। बागेश्वर जिले में पोषण माह के तहत बाल विकास विभाग की ओर से प्राथमिक विद्यालय मंडलसेरा में जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस दौरान लाभार्थी महिलाओं, छात्र छात्राओं और ग्रामीणों को पोषण की जरूरत और उसकी महत्ता के बारे में जानकारी दी गई। इस दौरान छात्र छात्राओं के बीच मेहंदी और पोस्टर प्रतियोगिता का आयोजन भी किया गया। विजेता प्रतिभागियों को पुरस्कृत भी किया गया। कार्यक्रम समन्वयक लता भंडारी ने बताया कि जिले में पोषण माह के तहत अलग अलग जगहों में विभिन्न कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि लोगों का जंक फूड से बचने की सलाह के साथ ही पोषण युक्त भोजन के बारे में बताया जा रहा है। इस दौरान राष्ट्रीय पोषण माह के उद्देश्यों के प्रति भी ग्रामीणों को जागरूक किया गया। बच्चों को कुपोषण से बचाने के लिए शुद्ध एवं पौष्टिक भोजन देने के लिए प्रेरित किया जा रहा है। इसमें पोषण से संबंधित जानकारी दी जाती है, जिसमें उन्हें पोषक तत्वों के बारे में बताया जाता है, उन्हें क्या खाना है, क्या नहीं खाना है, इस बारे में बताया जाता है। इससे हमें कुपोषण की जो दर बच्चों में पाई जाती है वो कम करने में काफ़ी सहायक होता है। जैसे हमें फास्ट फूड नहीं खाना चाहिए, स्थानीय फल सब्जियों का अधिक प्रयोग करना चाहिए। उसमें दालें होती हैं, फल होते हैं और सब्जियां होती हैं, जिसे अधिक मात्रा में हमें लेना चाहिए। लाभार्थी विनीता गोस्वामी ने बताया कि विभाग की ओर से अच्छी जानकारियां दी जा रही हैं। वहीं अभी गर्भवती है और विभाग उनको लगातार मार्गदर्शन दे रहा है। गोद भराई का कार्यक्रम भी विभाग की ओर से ही आयोजित कराया गया था। मैं यहाँ पंजीकृत हूँ, तो मुझे यहाँ हाल ही में मेरी गोद भराई भी की गई है आंगनबाड़ी केंद्र द्वारा, और लगने वाले में हर महीने में जो टीके लगते हैं उसके बारे में बताया गया है और स्वास्थ्य की जानकारी भी यहाँ दी जाती है, और जो राशन मिलता है आंगनबाड़ी केंद्र द्वारा वो भी हमें हर महीने दिया जाता है। मनीषा नेगी ने बताया कि बाल विकास विभाग की योजनाओं से हमें काफ़ी लाभ हुआ है। विभाग की ओर से प्रत्येक 3 माह में पौष्टिक आहार प्रदान किया जाता है, साथ ही विभिन्न योजनाओं से मिलने वाले लाभों के बारे में भी बताया जाता है। पोषण योजना बहुत अच्छी योजना है। यहाँ पर मेरा बच्चा भी अभी पढ़ रहा है। जब मैं गर्भवती थी तो उस टाइम पे यहाँ पर मेरी गोद भराई भी की गई और साथ ही मेरे को स्वास्थ्य की जांच भी की गई और मुझे टीकों के बारे में बताया गया और साथ में टीके भी लगवाए गए। और मुझे THR के द्वारा अभी हमारे बच्चों को जो 3 महीने में प्रत्येक 3 महीने में जो राशन मिलता है वो भी मुझे प्राप्त है, और साथ ही प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के तहत मुझे 5,000 की धनराशि भी प्राप्त हुई थी।
रश्मि पांडे ने बताया कि सरकार द्वारा संचालित योजनाओं में पोषण अभियान काफी बेहतर योजना है। इसके माध्यम से कुपोषण को जड़ से खत्म करने के लिए लगातार कार्य किया जा रहा है। बच्चे के गर्भ ने ठहरने से लेकर उसके जन्म तक माता को अच्छे पोषण और बच्चे के बड़े होने तक जो जो जरूरी पोषक तत्व चाहिए होते हैं उसकी जानकारियां दी जा रही हैं। प्राथमिक विद्यालय मंडलसीरा में ये कार्यक्रम चलाए गए जिसके तहत बच्चों को पोषण के बारे में जानकारी दी गई। साथ ही उनके अभिभावक आए थे तो महिलाओं को महिला पोषण, गर्भवती महिलाओं को पोषण से रिलेटेड जानकारी दी गई। पोषण होता क्या है बच्चों को ये जानकारी दी गई। जो आजकल का हमारा युवा है, बच्चे हैं, वो जंक फूड की ओर उनका रुझान ज़्यादा हो रहा है, वो जंक फूड ले रहे हैं, तो ये जानकारी उनको दी गई कि वो पोषण अपने खाने में सभी तत्व प्रकार के पोषक तत्वों को शामिल करें। वहीं छात्रा करीना ने बताया कि आज हमें महिला एवं बाल विकास विभाग के द्वारा काफ़ी महत्वपूर्ण जानकारियां दी गई जिनमें अच्छे पोषक तत्वों को लेने और जंक फूड से बचने की सलाह भी दी गई है। बहुत सारे कार्यक्रम हुए और हमें इसके बारे में बहुत सारी विविध जानकारियां भी दी गई जिसमें हमें बताया कि हमारे लिए पोषक तत्व, पोषण आहार ये सब बहुत आवश्यक होते हैं। हमें फास्ट फूड कम उपयोग करना चाहिए जो हमारे लिए हानिकारक होते हैं। हमें विटामिन, प्रोटीन, कार्बोहाइड इन सब का निश्चित मात्रा में उपयोग करना चाहिए। इसी के साथ अभी तक के समाचार समाप्त हुए। दूरदर्शन समाचारों से जुड़े रहे। मिलते हैं फिर शाम 5 बजे के बुलेटिन में। नमस्कार।